भी मशीन राही और ट्रालियां बड़े गिनती जड़िया ने भर के रेत निकासी की जा रही थी। अस बी डी पी ओ रात को फोन लाया और एस एच ओ जिन्होंने कार्रवाई करते हुए युवराज सिंह मौके पर भेजा जिते दो ट्रालियां भरिया हुई और एक जे बी सी मशीन मौके पर पकड़ी गई तो जिहड़ियां छे ट्रालियां जिहड़ियां भरिया उत्थों बजा के लै गए क्योंकि काफ़ी समय तो असं पहले भी इन्हों बी डी ओ साहब बगैर शिकायत वगैरह दे रहे हैं पंचायत के मर्जी तो बगैर तो कहिंदे ने कोई किंतु तो परंतु हो ही नहीं सकता। मौजूदा सरपंच होवे तो उन्हें वालों कोई कार्रवाई ना की जाए बकायदा सौ के तो उस तरह का बकायदा मौके पर जाके जो इन्हों की लोकेशन चेक करवाई जाए क्योंकि कार्रवाई जी जो कहें भी कोई भी संघर्ष विड़ा जा सारा कुछ हो सकता असं जो संघर्ष व्डे पद्धर से लैके जावे जो नहीं कार्रवाई होंगी तो अस बकायदा जे अफसराना का नहीं करेंगे उन्होंने बूहा बंद करके तो उन्होंने ये जे एफ आई आर कटावे तौर में वाधा करावे। असं जो पिंड के गागणके की पंचायत मैंबर ने और जरनल रेता वर्कर यूनियन वालों तो मैं ब्लाक समिति मैंबर जिहड़ा सी पी आई भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी वालों हाँ अज ये मांग करते हैं कि इन्हां ते सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिहड़ा खिलवाड़ कुदरत नाल भी खिलवाड़ किया जा रहा है और जिहड़ा लखां दा चूना जिहड़ा है सरकार नूं लाया जा रहा है इन्हां दे कारण। बी डी ओ साहब नूं मिले लिखती शिकायत दित्ती उन्होंने कहा मैं बाय नेम इन्हां ते परचा दर्ज करावांगा हुण लगता है पता बाय नेम परचा दर्ज कराते हैं जां की करते हैं ये तो आने वाला समा दसेगा ये समय के गर्भ में है। असीं जिहड़ा बकायदा बी डी ओ नूं पहला नंबर हुण मिले हैं तो एस एच ओ नाल जी फोन पर गल हुई वह कहता भी बी डी ओ साहब बयान दे जिहड़ा लिखावण तो जिन्हां जिन्हां दा नाम तुसीं दसोगे विच वाकई है तो उन्हां ते परचा दर्ज करदा बनदा किया जाएगा। माइनिंग अधिकारी जिहड़ा पुलिस वालों ड्यूटी लगी और युवराज सिंह की ड्यूटी लगी वह कहता मैनूं बाय नेम दिता जाए तो मैं बाय नेम परचा दर्ज करा। रात नूं चोरी मशीन फड़िया फड़िया गई जी ट्रालियां भरिया हुई अड़ते सदर थाने चाह दी एक मशीन है जी ते दो ट्रालियां भरिया हुई ते छे को बाज भारत निकल गए जी। असं हूँ बी डी ओ दफ्तर बी डी ओ साहब न मिले हैं जी ते उत्थे एस एच ओ जी उन्हें कहा भी असं कार्रवाई करांगे बाद दूजे दिन खड़ा चालू करता साढ़े को 10 कनाली रेता बाहर कढ़िया गया जो रिपोर्ट असं करते रहे बी डी ओ साहब न एस एच न डी सी साहब न नियंत्रक अफसर डी डी पी जरा अपना उन्होंने जो असं कागज कार्रवाई करते सारी कोई सुनाई नहीं हुई। अज बी डी ओ कोल जाने सवेरे रोज आ के लारे लप्पे ला के कोई कार्रवाई नहीं की जाते थे रात को जिसल मशीन ला देंगे ट्रालियाँ राति जेब फड़ी गई दो ट्रालियाँ छे ट्रालियाँ भरिया निकल गई पहले थोड़ी जी पुलिस की कमी रहेगी लेट पहुंची अच्छा लाइया नो तो हूँ रात मौके से फड़ के दो ट्रालियाँ एक जे बी सी दो बंदे अंदर ड्राइवर सारे बी डी ओ साहब न एस एच न डी सी साहब न जगराज सिंह थानेदार जरा होर बी डी ओ तो होता है अफसर जब डी डी पी जा मैं कहना अफसर साहब न मिले सी सब दरखास्त लावन लगे सानू गाड़ गाड़ 7-8 महीने हो गए ला हूँ कार्रवाई बना सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो हूँ बी डी ओ साहब भी हौसला दिता है मैं दोनों दो घंटे पर हर जवाब दे रहा मैं कल असी मौके पर इतने एक जे सी मशीन दो ट्रालियाँ रेते भरिया हुई अभी खड़े पैर से पाइया मौके पर पुलिस नू पर कोई कार्रवाई इन्हें नहीं की हाल तक जो बंदे बी डी ओ साहब ने पाए थे वो बंदे सारे ने बाहर कढ के सिर्फ 3 बंद परचा किया इन्हें साड़ी इन्हों मंग है भी जेडे जो बंदे बी डी ओ साहब ने पाए थे बनी सानू परचा किया जाए उस बंद सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए जो रेता चोरी हो रहा इतने वो यानी कि बेनती करा के मैनिंग अफसर भेज के उन्होंने जो सरपंच से कार्रवाई की जाए रेते की भी जो उन्होंने आरोप लाया बिल्कुल गलत न ये पहला भी ये मैनिंग जी होंगी सी असी टाइम टाइम से बी डी ओ साहब नूं असी एप्लीकेशन दी थाने भी दी एप्लीकेशन भी इत्थे जिहड़ा ना चोरी रेता होंदा है तो इन्हां चोरों नूं पकड़िया जाए तो ये जी रात की भी गल हुई सी रात भी मैं पहला बी डी ओ तो मैनू फोन आया फिर मैं बी डी ओ नूं नाल दी नाल उवें कर दिता मैं तो हैगा सी मैरिज ते सिद्धू का 9:30 की गल है उदों बाद मैं थाने भी फोन किया थाने पुलिस जुगराज सिंह नूं एस आई नूं बुला के वो जिहड़ियां ट्रालियां जिहड़े मैनिंग करते पे सी उन्हां नूं फड़ाया सी पकड़ा के दो ट्रालियां पकड़ीआं सी उत्थों बाद जिहड़ी मशीन सी मशीन मैं सवेरे वेखी सी गंजूआणे कोल खड़ी सी
ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰੋਪਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ JCB ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਅਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਗਾਗਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 19/21/2020 ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂਬਾਦੀ, ਸੋਨੂ ਕਟਾਰੀਆ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜ ਕਟਾਰੀਆ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂਬਾਦੀ ਖਰਾਜਲਗਾ, ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜੇ ਨੇ ਜੇਸੀ, ਇੱਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਆਰੋਪ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਹੋਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਫੜਾਂਗੇ ਜੀ।